केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इंस्पायर इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोसेस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 7 मार्च 2024 12 बजे काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों को उपहार और भेंट प्रदान की गई और उन सब का उत्साह बढ़ाया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अमिता कन्नौजिया द्वारा और भी महिला प्रोफेसर उपस्थित रहीं, इसमें प्रोफेसर मोनिशा बनर्जी आदि। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना के साथ। इंटरनेशनल वुमेन डे वैसे तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन भारत में इसके और भी महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि हिंदुस्तान में हर दिन हर स्त्री के लिए एक वुमेन्स डे है। राइट फ्रॉम सुबह से उठ करके कोरस करना से लेकर के रात तक अगले दिन का इंतजाम करके सोना, ये हिंदुस्तान की औरत ही कर सकती है। तो मेरे ख्याल से जो सेलिब्रेशन आज हो रहे हैं वो रियली में ट्रिब्यूट है फॉर द इंटरनेशनल वुमेन, फॉर द वुमेन ऑफ ऑल द कंट्रीज, ऑल द नेशन। वुमेन के आप क्या और संदेश देना चाहेंगी महिलाओं? महिलाओं को तो कोई संदेश ही नहीं देना, महिलाएं तो अपने आप में पूर्ण हैं। पुरुषों को संदेश देना है कि महिलाओं की केयर करें, उनका सम्मान करें और उनको उनका ड्यू मिलते रहना चाहिए। 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इसको हम लोग पिछले 3 साल से कई बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस बार हम जंतु विज्ञान विभाग में इसका आयोजन हम लोगों ने किया है। आपको मालूम है कि महिला एक समाज की बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है। वो सिर्फ आप उसको महिला के रूप में देखते हैं, कितने प्रकार के वो रोल अदा करती है, माँ से लेकर बहन से लेकर बहू से लेकर हर रोल वो अदा करती हैं। इस समाज में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। क्यों? क्योंकि एक महिला ही, एक सुशिक्षित शिक्षित महिला ही बच्चों को अच्छा राह दिखा सकती है, उनकी परवरिश कर सकती है। और आज महिला दिवस के अवसर पे मैं पूरे समाज से ये कहना चाहूँगी कि महिला सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहती है कि ना आप उसको अपने पैरों तलो रखिए, ना अपने सर पे रखिए, बट अपने बराबर कंधे पे रखिए एक महिला को। तो देखिए वो महिला कैसे आपके साथ गाड़ी के पहिया बन करके बैलेंस चलती है आपके साथ और आपको उन्नति की तरफ ले जाती है। तो आज हम लोगों ने जो यहाँ जूलॉजी विभाग में इसका आयोजन किया है उसमें हम लोगों ने हर बार की तरह इस बार भी उन महिलाओं को बुलाया है जो हमारे विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं किसी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं, Class 3 and Class 4 महिलाएं, जो कि अपने को ऐसा महसूस करती हैं कि जैसे वो कर्मचारी हैं ही नहीं या उनको कोई सम्मान मिलता ही नहीं है। इसलिए हर साल की तरह इस बार भी उनको बुलाया गया है और हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, उनको से बातें करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे और कुछ यहाँ जलपान की भी व्यवस्था है जिसे उनको एक मिनट के लिए हम ये भी फील कराएं कि वो भी हमारे विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं और बहुत अहम पार्ट हैं, उनका भी कोई रोल है और उनके बारे में भी विश्वविद्यालय सोचता है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी सभी को बधाई। हमारे विभाग में कल शिवरात्रि का अवकाश होने की वजह से आज प्रोफेसर अमिता कन्नौजिया मैडम के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे विभाग में मनाया जा रहा है धूमधाम से। और मुझे महिला होने का बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ मेरी आने वाली जितनी भी जनरेशन है, बच्चियाँ हैं, वो सब इस बात पे गर्व महसूस करें। भारत हमेशा से ही महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देने वाला देश रहा है और पिछड़े इलाकों में जो भी महिलाओं की स्थिति है वहाँ पे भी महिलाएं अपनी पहचान बना ही लेती हैं। चाहे द्रौपदी मुर्मू जी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आज वो राष्ट्रपति हैं हमारी। और इसी तरीके से महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं और महिला होने पे सभी को गर्व होना चाहिए, जितनी भी महिलाएं हैं और उन्हें मेहनत करके अपनी क्षमताओं से अपनी पहचान समाज में बनानी चाहिए। और इस दिन पे मेरा सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारी प्रोफेसर अमिता मैम ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, आई रियली थैंक हर फॉर दैट, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी ऐसे ही साथ में मिलके मनाया था। इसे वी ऑब्वियसली गेट एनकरेजमेंट
एंड वी आर वेरी मच enthusiastic अबाउट our रिसर्च एंड टीचिंग. आई एम अ फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डिपार्टमेंट जूलॉजी. माई नेम इज़ डॉक्टर हादिया हुसैन एंड आई जस्ट हैव वन सेइंग आई कैन रिकॉल अबाउट वुमेन्स बिकॉज लाइक एलिनोर रूजवेल्ट कोटेड दैट वुमेन इज़ लाइक अ टी बैग. You never know how strong she is until you put her in hot waters. So, thank you. आज हम लोग एकत्रित हुए हैं और सभी महिलाओं को आज महिला दिवस पर हार्दिक बधाई. और लखनऊ विश्वविद्यालय ये प्रोग्राम कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं तो ये कहूँगी कि ये जो हर साल होता है, ये महिलाएं तो पूरे साल काम करती हैं, 24 घंटे के हम लोग एक तरह से एम्प्लॉय हैं. और पापा की परी से लेकर के बचपन की सहेलियों को छोड़ते हुए हम लोग घर की नींव होते हैं. हम आधार हैं पूरी सोसाइटी का, समाज का हम आधार हैं. मैम, यहाँ यूनिवर्सिटी में तो एक कार्यक्रम हो रहा है जी, जिससे मतलब आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि लेडीजों के लिए क्या विशेष किया जा रहा है? देखिए, आज उसका सम्मान मिल रहा है, लेकिन हम लोग पूरे साल जो है परिवार को लेकर के चलते हैं. तो थोड़ा सा हम लोग के परिवार के रहते हुए हम लोग को थोड़ी सी राहत देनी चाहिए समय की भी. और कई चीज़ें होती हैं जो आप भी जानते हैं, आप पारिवारिक समाज से हम सभी लोग हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सोचना चाहिए कि महिलाएं अपना घर गृहस्थ देख करके आ रही हैं, बच्चों को भी देखना होता है, एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी है, सबका प्रेशर हम लोग के ऊपर आता है. तो उसको देखते हुए महिलाओं के लिए कुछ विशेष सोचना चाहिए. मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं महिला के रूप में इस धरती पर आई हूँ. और मैम हर साल हम लोगों को बुलाती हैं, यहाँ पर सम्मानित भी करती हैं, गिफ्ट्स वगैरह भी देती हैं. यूनिवर्सिटी में एक यही मतलब मैम हैं जो वुमेंस डे पे हम लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों को बुलाकर कुछ ना कुछ गेट टुगेदर या कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं, तो सम्मान भी देती हैं. और वुमेंस डे पे कुछ विशेष आप दूसरी वुमेंस के लिए कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहूँगी, जैसे कि हम सारी महिलाएँ मतलब अपने को समाज में सामने ला रहे हैं, वैसे और महिलाओं को भी दब के नहीं रहना चाहिए. मुश्किलें तो बहुत आती हैं महिलाओं के जीवन में, पल पल आती हैं, लेकिन हम सारी महिलाओं से यही कहेंगे कि उन मुश्किलों से डर के कहीं पीछे छिप कर ना बैठें, बल्कि सामने आकर उनका सामना करें और अपने को साबित करें समाज में. ये न्यूज़ आपको कैसी लगी कृपया कर कमेंट अवश्य करें. अगर हमारे चैनल पर ना है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का उत्साह बढ़ाएँ. जय हिंद, जय भारत.